Assalamualaikum friends, welcome back to my channel Makeup Glamour. आज की एक और नेल आर्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही मजे का नेल आर्ट ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैं जो है शाइनर का जो है वो कोट अपनी फिंगर्स पे लगाऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारी फिंगर्स नेल्स को करता है प्रोटेक्ट। सबसे पहले हम ये लगाएंगे सारी फिंगर्स पर। जी तो ये देखिए, मैंने सारी फिंगर्स पर जो है शाइनर का कोट लगा लिया है। आप करते हैं अपना डिज़ाइन स्टार्ट। जी तो आज का डिज़ाइन मैं बनाऊंगी टूथपिक के साथ ही, ठीक है। और ये बहुत बाजार में बड़ी नाम से आपको मिल जाएंगी। अब सबसे पहले हमें चाहिए थोड़ी सी, जैसे कि प्रीवियस अगर आपने वीडियो देखी हो तो मैंने इसके साथ बहुत सारे डिज़ाइन बनाए हैं, तो सबसे पहले हमें थोड़ी सी इसकी टिप बड़ी चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको कट कर लूँगी डॉट बनाने के लिए, ठीक है। और बाकी अगर स्मॉल टिप चाहिए तो हम यही वाली इसी में से यूज़ करेंगे। इस पर्पज़ के लिए मैं वाइट नेल पेंट ले रही हूँ, ठीक है। वाइट नेल पेंट आप कोई सा भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर जो है वो दिस वाइट कलर मैं ले रही हूँ, ठीक है। और इसका कोट लगाऊंगी अपनी फिंगर पर, अपनी नेल पर, ठीक है। इस तरह से शाइनर को पहले सूखने भी देना है। इसके टू कोट्स हम वाइट नेल पेंट के अपनी जो है ना वो फिंगर पर लगा लेंगे, ठीक है, ताकि हम इस पर अपना जो डिज़ाइन है ना बनाना वो बना सकें। सबसे पहले मैं रेड नेल पेंट ले रही हूँ, ठीक है, और इसको डिप करके तो यहाँ पर इसके साथ थोड़े थोड़े डॉट बनाऊंगी। आप डॉट थोड़े फासले पर बना सकते हैं, कोई नहीं है। थोड़े थोड़े बड़े थोड़े से हमें डॉट चाहिए, क्योंकि हमें फ्लावर्स बनाने हैं। अगर इस तरफ से थोड़े से नहीं बन रहे बड़े, तो हम इसकी बैक साइड यूज़ कर देंगे, उससे जो है ना अच्छे और बड़े बन जाएंगे, इतने हमें चाहिए, ठीक है, फ्लावर्स बनाने के लिए। अब ये जो बिल्कुल लाइट सा पिंक कलर है, ये मैं इसके साथ उठा के तो इसमें थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ये पिंक कलर, ठीक है, नेल पेंट। आप अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी जो नेल पेंट है वो यूज़ कर सकती हैं। थोड़ा थोड़ा बिल्कुल इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कलर, ठीक है, ताकि फ्लावर्स को हम एक शेडिंग दे सकें। अब क्या करूँगी, अब जो इसी टिप के साथ जो यही वाला है इसके साथ जो है मैं फ्लावर को थोड़ा सा इस छोटी टिप के साथ नकल करूँ, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। फ्लावर को थोड़ा सा हम इस तरह से फुला लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, ताकि वो राउंड थोड़ा सा शेप में आ जाए, हमारा लगे कि फ्लावर है। और ये बहुत ही अच्छा और जो है वो मज़े का डिज़ाइन बनेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए इस तरह से, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही कोई नीट आपने काम करने, नहीं, मेरी फिंगर थोड़ा छोटी है तो मैंने छोटी पिंक फिंगर में बना दिया ये डिज़ाइन, लेकिन काफ़ी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। देखिए इस तरह से थोड़ा सा ये हो गया। अब मैं एक और जो है वो टूथपिक लूँगी और ग्रीन जो है ना इसमें डिप करूँगी, और यहाँ पर हम थोड़े छोटे लीफ बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से हम लीव्स बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा एक नेल आर्ट तैयार हो चुका है, ठीक है, ये फ्लावर्स मैंने बनाए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो मैं नेक्स्ट डिज़ाइन बनाऊंगी इस पर, लेकिन हम बाद में शाइनर के साथ कोट करेंगे। नेक्स्ट बेस कलर फिर मैं वाइट ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। वाइट पर जो है वो ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन जो है ना वो समझ आ जाता है, तो और आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वाइट के कोट लगा रही हूँ फिर वक्त, ताकि मैं इस पर अपना नेक्स्ट डिज़ाइन बना सकूँ। नेक्स्ट मैंने फिर जो है वो रेड कलर के साथ काम करने वाली हूँ मैं, ठीक है। अब इसी में डिप कर रही हूँ मैं नेल पेंट में, और हमें अब छोटे बड़े यहाँ पर बनाने हैं डॉट्स, ठीक है। ये इस तरह से डॉट बनाते जाएंगे आप, बड़े छोटे जैसे भी आपको अच्छे लग रहे हैं आप यहाँ पर डॉटिंग देंगे, थोड़े थोड़े फासले पर लेकिन डॉट बनाएंगे, ठीक है, ताकि हम और कलर के भी इसमें डॉट्स ऐड कर सकें। अब इसमें मैं नेक्स्ट कलर ऐड करूंगी। नेक्स्ट मैंने ये फ्रोजी नेल पेंट ली है, अब मैं इसमें डिप कर रही हूँ, और यहाँ पर इनके साथ साथ ये वाले जो डॉट्स हैं अब इनके साथ साथ ये बनाऊंगी, ठीक है,
और ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा। आप चाहें तो और कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर हम भी इसमें देखते हैं और कोई कलर भी ऐड कर लेते हैं अगर अच्छा लगता है तो। आपको आप चाहें तो छोटे बड़े जैसे भी आपको डॉट अच्छे लगते हैं आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। और छोटे लेकिन कोशिश करें स्मॉलर एंड बिगर सारे ही साइज में लग जाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है जी। एक हमारा ये डिज़ाइन हो गया, बहुत ही खूबसूरत लगेगा, लेकिन बस थोड़ा सा हमने इसको अब जो है ना वो शाइनर बाद में लगाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो मैं बना रही हूँ गूगली आईज। इसके लिए फिर मैं वाइट नेल पेंट ले रही हूँ और इसके जो है वो कोट्स लगा रही हूँ। आज वैसे ज़्यादातर मेरा थीम वाइट में है तो आप कोई भी कलर अपना पसंद का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फिल वक्त वाइट ले रही हूँ। और जहाँ से अगर नेल पेंट थोड़ी सी ख़राब हो जाती है वहाँ से मैं वाइप कर लेती हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखिए, और देखिए विदाउट एनी इक्विपमेंट सिर्फ टूथपिक के साथ मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैं पिंक कलर ले रही हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। और वैसे पिंक कलर मैंने पहले भी यहाँ पर निकाला हुआ, थोड़ा सा मैं और निकालूंगी पिंक कलर। और इसके साथ मैं पहले डॉट्स बनाऊंगी राउंड, ठीक है। और इसको मैं अपनी टूथपिक की बड़ी वाली साइड यूज़ करूँगी इसके लिए। इस तरह से हम जो है इसके सर्कल्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे थोड़ी थोड़ी स्पेस के साथ ऐसे, ठीक है। छोटे बड़े आप चाहें जैसे भी आप सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, जिस तरह डिज़ाइन बनाना चाहें आप बना सकते हो, ठीक है। ये देखिए इस तरह ये हमारे लग चुके हैं। अब मैं इसमें जो है नेक्स्ट कोट दूंगी विद ब्लैक नेल पेंट जी। तो अब मैंने अभी ब्लैक नेल पेंट यहाँ पर निकाली है, इसके साथ में अब जो है ना वो इनको थोड़ा सा राउंड शेप इसमें देंगे, इनकी गूगली आइज बनाएंगे इस तरह से। अब अपनी मर्जी से देखिए, अभी वो बस ये थोड़ा सा ड्राई होने लीजिएगा, मैंने ड्राई नहीं होने दिया तो। देखिए बहुत ही इजी और आसान से ये जो है ना, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अब ये जो बाकी स्पेस रह गई है इसमें आप चाहें तो आप जो है ना इसी नेल पेंट के साथ थोड़े थोड़े डॉट्स भी लगा सकते हो, चाहे ब्लैक के साथ लगा लो या फिर पिंक के साथ लगा लो, आपकी अपनी मर्जी है। मैं यहाँ पर पिंक के साथ छोटे छोटे लगा रही हूँ, थोड़े थोड़े इसके साथ ब्लैक भी मैं भी ऐड कर लूँ या फिर इस तरह भी ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अनदर डिज़ाइन हो गया है जी रेडी। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना ईजी है, ठीक है जी। तीन डिज़ाइन हमारे रेडी हो चुके हैं, अब हम चौथा वाला जो डिज़ाइन है उसकी तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट नेल डार्ट है वो बहुत ही इजी है, इसके साथ भी चलो हम रेड के साथ हम कर लेते हैं इसको भी। रेड नेल पेंट लूंगी मैं, यहाँ पर जल्दी से निकाल लेते हैं। तो अब मैं रेड नेल पेंट ले रही हूँ और इसके साथ यहाँ पर कोई सा भी जो है ना वो आड़ा तिरछा या फिर इस तरह से ना बना रही हूँ आप, मतलब हमने कोई शेप प्रॉपर नहीं देनी क्योंकि हमने इसको, मैं यहाँ पर चीता डिज़ाइन आपको सिखा रही हूँ, ये वाला बहुत ईजी है, बहुत मज़े का डिज़ाइन बनने वाला है, ठीक है। चाहे तो आप राउंड शेप में बना लो, चाहे तो आप थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लो, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी पर है। ये देखें इस तरह से। अब क्या करूँगी मैं, नेक्स्ट लूँगी जी एक और टूथपिक और उस पर जो है ना वो ब्लैक के जो है ना वो ब्रैकेट्स बना दूँगी या फिर सी सी टाइप लिख दूँगी, ठीक है। ये देखिए किस तरह से कर रही हूँ मैं, लिप किया मैंने इस पर और बड़े आराम से नज़र आ रहा है। हाँ जी, ये देखिए इस तरह से इसको ऐसे कर दीजिए, ये इस तरह, ठीक है। बहुत इजी सा ये डिज़ाइन है, सी शेप में बनाते जाओ बस। जो एक्स्ट्रा जगह बच गई है उसमें मैं डॉट्स लगा दी है मैंने ब्लैक के साथ, ठीक है। तो देखिए कितना प्यारा ये हमारा सुपर डुपर इजी सा डिज़ाइन बन गया है, ठीक है। ये हमारे फोर डिज़ाइन रेडी हो गए, अब हम बनाएंगे लास्ट वाला डिज़ाइन। तो लास्ट हमारा जो डिज़ाइन है उसके लिए मैंने ये जो है ना वो फिर वाइट जो है ना वो बेस यूज़ कर ली है वाइट नेल पेंट। और ये फोर हमारे डिज़ाइन हैं, आई होप आपको पसंद आएंगे। लास्ट देखिए कितना मज़े का होने वाला है। अब इसके ऊपर जो है वो मैं ब्लैक के साथ ब्लैक नेल पेंट के साथ
जो है ना वो लाइन से लगाऊंगी, ठीक है। जो भी मैं उस टूथपिक के साथ ही लगाऊंगी, इसको पहले थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। ये तो लास्ट जो है वो मैं इस तरह से लाइन लगा रही हूँ, मैंने दो लाइन लगाई हैं। इतनी ज़्यादा हमने ये नहीं करना कि बहुत ही कोई नीचे नहीं लगानी, क्योंकि हम मिस्टर के साथ काम करें, इस वजह से सिर्फ आपने टूथपिक पकड़नी है और इस तरह से इसको थोड़ी सी मोटी लाइन लगानी है, ताकि नीचे से जो नेल पेंट है वो भी नज़र आए। तो ये तो थी हमारी आज की डिज़ाइन, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अच्छा, मैं इसलिए बना रही हूँ, मैंने आपको एक और भी इसके आगे भी बताना था, जल्दी से बन जाते हैं। तो हमने इसको किस तरह से चेंज और करेंगे, ठीक है। देखिए, आप चाहें तो इस तरह से जस्ट लाइन ड्रॉ करें, वो भी ठीक है, तो वरना क्या करेंगे वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए लाइन्स इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, वरना क्या करेंगे, हम डिप करेंगे और यहाँ पर इसके साथ इस तरह से सर्कल बना देंगे, ठीक है, राउंड शेप में। इस तरह से इसका एक और जो है ना वो डिज़ाइन देखिए नेल पेंट का बन रहा है, तो इस तरह से हम इसको बना देंगे। इसी तरह नीचे वाली लाइन पर कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो ये था जी हमारा आज का अंदाज नेल पेंट का। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरे जो डिज़ाइन मैं सिखाती हूँ वो कैसे लग रहे हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छे से नेल आर्ट ट्यूटोरियल के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू, बाय बाय। ये है जी हमारे आज के टोटल 5 डिज़ाइन, ठीक है। आप इसको लाइन्स भी दे सकते हो और इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। Thank you so much for watching, and I'll see you.